फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 10.5 इंच है। 6 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस यहाँ पर 10 इंच रखेंगे, तो 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेंगे। और अब हम गले का शेप देंगे, तो देखिए हमने कुछ इस तरह से शेप दे दिया है। और अब हम इसे काट लेंगे, तो देखिए हमने गले को काट लिया है। यहाँ पर देखिए ब्लाउज के कपड़े को फैला लेंगे, उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे, हर जगह पिन अटैच कर लेते हैं बराबर से रखते हुए। और अब हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ से बीच से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, हल्का हल्का कोने पर कट लगा लेंगे। और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। यहाँ पर देखिए अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ चौकोर कपड़ा लिए हैं और इसे इस तरह से मोड़ते हुए पैटर्न तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने बहुत सारे पैटर्न तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने 1-1 इंच का निशान लगा लिए हैं, गले से 1-1 इंच का दूरी रखते हुए निशान लगाए हैं। और इसी निशान के ऊपर इस पैटर्न को रख कर अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है। और यहाँ पर देखिए एक लेस लगाएंगे पहले गले के ऊपर। एक लेस और लगा लेंगे जो हमने लाइन खींची है एक इंच की दूरी पर। इसी लाइन के ऊपर दूसरे लेस को हम अटैच करने हैं। अब हम यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम 1.25 इंच की पट्टी ले लेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए नीचे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने नीचे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने कुछ मोती ले लिए हैं और इस मोती को हम इस पैटर्न के ऊपर अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और